चलिए तीन वाई को उधर ले लिए, उधर कौन है? बारह। जमा कर दो, उधर जाकर माइनस टू एक्स। थ्री वाई टू एक्स माइनस टू एक्स, क्लियर हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? वाई इज इक्वल टू टूवेल्व माइनस टू एक्स अपॉन बटे, ये बटे में तीन चलेगा, ठीक है। आप एक्स की जगह ऐसा कोई नंबर रखना है, ये ऐसा कोई याद रखना है कि तीन से ये बाकी हासिल होने वाला वो तीन से डिवाइड डिविजिबल रहे, तीन से पासिंग कर दिया। अच्छा ठीक है, एक्स की जगह पहले एक्स फिर वाई, करेक्ट है। चलिए एक्स की जगह क्या बोल रहे हैं आप? एक्स मसावी छः रखने टेकिंग एक्स, करेक्ट। पूरा बोलना है आपको, बोली बारह सब लिख के मत बोलो, मैं उनको बोल रहा हूँ बटे तीन बराबर है इज इक्वल बारह का बटे में तीन, सॉरी चलिए तीन दे बारह का बारह मन की दो छे के बटे बारह में से बारह का बटे क्या आया एक्स की जगह क्या है कि आपने वाई क्या आया क्या जीरो, ये कौन सा डब्बा होगा? पहला डब्बा होगा, ठीक है। अब उसके बाद वही इक्वेशन लिखिए वाई मसावी क्या है बारह मंथली वाई इज इक्वल बटे। आप क्या नौ बोलो तो बढ़ जाएंगे, जीरो ले लो बारह का सब बनाए एक्स मसावी का जीरो रखने टेकिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो टेकिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब एक्स की जगह जीरो रख रहे हैं वाई मसावी बारह मंथली दो एक्स की जगह बटे बारह का मन की दो सिफर बटे यानी बारह बटे काटो तीन सौ थ्री पॉइंट टू है चार आ गया, इसको क्या देंगे इक्वेशन नंबर एक्स की जगह जीरो रखिए तो वाई कितना आया जीरो कॉमा जीरो कॉमा फोर सेकंड टेबल। अब उसके बाद थर्ड वही इक्वेशन लेना है क्या टू एक्स माइनस टू एक्स अपॉन, चलिए अब एक्स की जगह मैं तीन चलेगा डिवाइड हो सकता है, एक्स की जगह कितना रख रहे एक्स मसा भी तीन एक्स की जगह थ्री रख रहे वाई का थ्री सब तीन बारह का तो दिया बारह में से छह ले छह बटे तीन अपन कितना आया इक्वेशन नंबर एक्स की जगह क्या है कि हमने वाई कितना आया क्या आया आंसर क्लियर हो गए। अब उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन सॉल्व करना है, क्या है सेकंड इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन एक्स वाई एक्स कॉमा यही लिखिए एक्स माइनस वाई मतलब एक,
किसको रोकूं? जमा करें किधर आके? मंडी का वाई उधर जाके? वाई इज द पॉसिबल एक्स माइनस वन आ रहा है। वाई मसल क्या आया? एक्स मल्टी एक। अब एक्स की जगह जैसा अपन यहाँ पे क्या रखेंगे? अपनी मर्जी है ना, तो कुछ भी रखो। चलो x की जगह 6 की जगह मैं यहाँ पे क्या रखूँ? 5। x मसा भी 5 की जगह 5 रख ले, क्या होगा? 5 में से कितने निकाल रहे? 1। क्या आंसर आ रहा? इक्वेशन नंबर 5। यानी कि x की जगह 5 रखे तो y कितना आया? 4। क्या आया? 4। पहला डब्बा होगा। अब x की जगह चलिए वही इक्वेशन y is equals to x minus 1। चलिए x की जगह कितने रखो? ठीक है, 2 रखने। एक्स की जगह 2 रखे तो y कितना आया? 1। क्या हुआ? 2.1। फिर आप वही इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। चलिए x की जगह क्या रखें? x मसा भी 3 रखने पर रखने taking x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर भी 3.2 आ रहा है, यहाँ पर भी 3.2 आ रहा है, यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा? 3.2। यानी कि दोनों कुतुब कहाँ पर खत्म करने वाले? 3.2 पे खत्म करने वाले। चलिए उतार।